बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूँ साजिद अली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान इंडिया समेत 6 ममालिक से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल कर दिए। अब से कुछ देर कबल सऊदी वजारत दाखिला ने यह अहम ऐलान कर दिया और इसकी खबर सबसे पहले परदेसी न्यूज़ ने आपको दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रिवायत बरकरार रखी। बड़े बड़े चैनलों ने आपके साथ वादे किए थे कि हम सबसे पहले आपको ख़बर देंगे, लेकिन वह तो इज़्ज़ मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा का उनको पता नहीं था। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला भी है और ज़िल्लत देने वाला भी है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना है, सही तरीके से गाइड करना है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यह इज़्ज़त हमारे हिस्से में रखी थी, तो हमने सबसे पहले आपको सऊदी फ़्लाइट्स बहाली का ख़बर दे दिया है। अब सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट्स बहाल कर दिए। इसके साथ एक शर्त भी आयद की और इसके साथ एक बुरी ख़बर भी है। शर्त यह है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन हासिल किए हैं उनको भी सऊदी अरब पहुंचने पर 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, यानी उनको 5 दिन होटल का पैकेज लेना ज़रूरी है जो सऊदी हुकूमत की तरफ से इंस्टीट्यूट क्वारंटीन के लिए मुख्तस होटल है वहाँ पर 5 दिन उनका पैकेज लेना पड़ेगा। वो जिस जहाँ से टिकट लेंगे टिकट समेत ये पैकेज मिलता है। पैकेज लेने के बाद 1 दिसंबर से आप सऊदी अरब का डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं। अब बुरी ख़बर इसके साथ ये है कि सऊदी हुकूमत ने जो तौसी दिया था वो 30 नवंबर 2021 तक है। वो इकामों में भी है और छुट्टी में भी है। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, उनके कफ़ील और उनकी कंपनियाँ उनके इकामों और छुट्टियों में तौसी नहीं कर रहे और उन लोगों के पास 30 नवंबर तक का टाइम है, लेकिन फ़्लाइट्स 1 दिसंबर से बहाल होंगे, तो उन लोगों को परेशानी बढ़ गई है। अब मेरी सऊदी हुकूमत से ये मुद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अल्लाह करे कि वो 1 महीने की तौसी और भी दे दे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सारे बेचारे लोग परेशान हैं, 9 महीने उन लोगों ने इंतज़ार किया, सऊदी हुकूमत की आसरे पर बैठे हुए हैं। जहाँ सऊदी हुकूमत ने 5 महीने तौसी दी, तो वहाँ सऊदी हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 1 महीने की तौसी और दे दे। और जो बेचारे परेशान हैं, उनके कंपनी और कफील इकाम में तजदीद नहीं कर रहे, उनके इकामों में भी तौसी मिल जाए और वो सऊदी अरब पहुँच जाए। तो ये उन लोगों के लिए बुरी ख़बर है जिनके इकामे और एग्ज़िट एंट्री वीज़े सऊदी हुकूमत के आसरे पर है। अल्लाह करे कि सऊदी हुकूमत 1 महीने की एक और तौसी दे दे ताकि आप तमाम अहबाब सऊदी अरब पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।